बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन, इसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। उसी के साथ मैंने लिए हैं 1/2 kg टोमेटोज, इनको मैंने पील करके 4 pieces में कर लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। उसी के साथ मैंने लिया है 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 teaspoon ऑफ फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, 3 to 4 ग्रीन चिलीज, मैं छोटी वाली यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़ी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 2 tablespoon ऑफ फ्रेशली ग्राउंड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, एंड साथ ही मेरे पास यहाँ रखा है 2 tablespoon ऑफ बटर। इन सिंपल से इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत होगी इस डिश को बनाने के लिए, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आवी नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैं आज प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 cup ऑफ ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेशली ग्राइंड किया हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मेक श्योर कि आप इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करें, इससे इस डिश का फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है और अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन। और उसको इतनी देर फ्राई करूंगी कि मटन का कलर चेंज हो जाए। मटन को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पील किए हुए टोमेटोज, जिनको मैंने 4 pieces में कर लिया था। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जिसको मैंने कट कर लिया है। फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, इसका मैं 1/2 यूज़ करूंगी और 1/2 मैं एंड में यूज़ करूंगी। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ 1 teaspoon। इन सब चीज़ों को मिला के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें गोश्त गलाने के लिए वाटर ऐड कर रही हूँ। वाटर मैं इतना ऐड करूँगी कि गोश्त अच्छी तरीके से इसमें कवर हो जाए। एक दफ़ा इसको स्टर कर लूँगी। और अब मैं इसमें प्रेशर लगा दूंगी जब तक कि गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। मटन को गलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने कुकर के प्रेशर को रिलीज कर दिया है। अब मैं इसकी लिड ओपन करूंगी। अभी इसमें मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा वाटर नज़र आ रहा है, गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है, तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है मैं इसको अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। ये देखिए मटन को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, उसका एक्स्ट्रा वाटर भी ड्राई हो गया है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बची हुई ब्लैक पेपर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon ऑफ बटर। इस डिश में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं हुए हैं, मेक श्योर कि आप इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर यूज़ करें। ये डिश खाने में बहुत लाइट होती है लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर्स होती है। आप चाहें तो इस डिश पे ग्रीन चिलीज और भी ऐड कर सकते हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी है लेकिन खाने में उतने ही मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट टाइम आपके लिए फन, क्विक एंड ईजी रेसिपी लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।